8-10 काम अधूरे करने से बेहतर है कि आप 3-4 काम पूरे करें और एंड तक ले जाएं, उन पर फोकस रखें। और मिथुन वालों की ये खास बात होती है कि भाई बहुत सारे काम ना एक साथ करना चाहते हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, और 2-4 की जो थॉट्स है वो दिमाग में घूमती रहती है। पर ये इनकी ताकत है तो कमजोरी भी है। बेहतर है कि 10 की जगह 5 ही काम करो, पर पूरे करो, पूरा फोकस करो, तो आप लोग बहुत ऊपर जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान ये राशि होती है। खैर, आ जाते हैं आपके अगस्त के लिए कि महीना क्या लेकर आए, चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, धन है, पारिवारिक जीवन है, आपका शादी विवाह है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोमांस शादी है, जो सारी जो बातें हैं सब पे बातें करेंगे। क्या उपाय हैं, क्या हम ख्याल रख सकते हैं, किन डेट्स पे क्या होने की संभावनाएं बनती है, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हम देख सकते हैं कि द्वितीय भाव में कर्क राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। ये भाव द्वितीय है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, जो नंबर लिखा है वो राशि का है। जैसे यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो आप देख सकते हैं 4 नंबर कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। तृतीय भाव में पांचवीं राशि मतलब सिंह राशि है, इसमें बुध और सूर्य बैठे हैं, इसके स्वामी सूर्य ही हैं। चौथे भाव में कन्या राशि है, यहाँ पर आप मंगल देख रहे हैं। पंचम भाव में केतु देख पा रहे हैं आप तुला राशि में। और जो नवम भाव है वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। एकादश भाव में आपके राहु और गुरु बैठे हैं मेष राशि में। अब इसके रिजल्ट पर आते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य को अगर लें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, तो स्वास्थ्य का स्वामी है, आपके राशि का स्वामी जो है वो बुध है, और बुध ग्रह तृतीय भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ पर एक अच्छे ग्रह हैं, 17 तारीख के बाद आ रहे हैं, जो आपको एफर्ट, हार्डवर्क करने की मेहनत देते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं। अग्नि के ग्रह हैं, अग्नि ही राशि में बैठे हैं, तो पौरुष आपका बढ़ने वाला है। 17 तारीख के बाद सूर्य आपको एफर्ट देंगे, स्वास्थ्य के हिसाब से भी वो आपको अच्छा करेंगे तृतीय भाव में जो सूर्य हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फीवर आदि हो सकता है, स्वास्थ्य के मामले में महीने को हम सही लेके चलेंगे। इसके बाद अगर हम करियर की बात करें, ओवरऑल ये स्वास्थ्य के साथ साथ प्रथम भाव आपका आपका ओवरऑल वो दिखाते हैं आप क्या देने वाले हो, आप क्या करने वाले हो। अगर इस महीने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अच्छी तरह से हैंडल करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे और प्रयास करने वाले हो, इस चीज़ को भी दिखाता है। और आप प्रभावी भी रहोगे चीज़ों पर, कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से आपकी जो फैकल्टीज हैं, आपकी जो ऊर्जाएं हैं, उनको अच्छी तरह से उपयोग कर पाओगे। दसम भाव जो कि पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, करियर, जॉब आदि का है, तो वहाँ के स्वामी गुरु हैं। सप्तम भाव जो कि बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, यात्राओं का है, ओपन एनिमी का भी है, मार्केट प्लेस का भी है, तो दसम और एकादश, दसम भाव उपलब्धियों का भी है, ये गुरु है, गुरु इनके स्वामी हैं। धनु और मीन के स्वामी गुरु आपके लिए दसम भाव और सप्तम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। इसका मतलब यही भी है कि अगर आप बुद्धिमानी से काम लें, आप सिर्फ आज के कल के बारे में ना सोचकर 10-20 साल की प्लानिंग बना के चलें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। खैर, गुरु कहाँ पर हैं, हम देख सकते हैं कि गुरु मेष राशि में बैठे हुए हैं, राहु के साथ हैं, तो ये दिखा रहा है कि बिजनेस में भी लाभ हो सकता है, करियर में भी आपको लाभ हो सकता है, पर आपको पॉलिटिक्स से बचना है। इस महीने काफ़ी पॉलिटिकल आपका ऑफिस या बिजनेस का एनवायरनमेंट रह सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम लेना है, जल्दबाजी में एक्स्ट्रा एम्बिशन या किसी के लालच में या किसी की बातों में नहीं आ जाना, क्योंकि राहु ऐसा कुछ करा देते हैं। अपने बॉस, अपने से बड़ों के साथ कुछ बना के रखना है, तो आपको बिजनेस में, पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा होने वाला है, जॉब में भी आपको फ़ायदा होने वाला है, आपका प्रमोशन आदि भी हो सकता है। अगर तारीखों की बात करें तो 3, 12, 22 ये तारीखें हैं, और 4, 13 और 23, क्यों, ये गुरु राहु से संबंधित कुछ तारीखें नक्षत्रों के आधार पर हैं, तो ये जो तारीखें हैं ये आपके लिए आप कुछ अच्छा हो सकता है, बड़ा हो सकता है व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में। इसके बाद हमने सप्तम भाव देख लिया, दसम भाव देख लिया, सप्तम की बात की तो जॉब की बात की, जैसा दसम की बात की तो जॉब की बात की, सप्तम की बात की तो बिजनेस की बात की, पर सप्तम भाव मैरिज का भी है, तो ये भी बताता है कि मैरिज से संबंधित, विवाह से संबंधित अगर आप कुछ काम जो है वो आगे बढ़ सकता है 4, 13 और 23 तारीख को, इसकी संभावना भी यहाँ पे बन रही है। ओवरऑल मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक ही है, अच्छा ही है। सप्तम का स्वामी किसके साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, कोई बात नहीं, फौरन कोई दोस्त फ्रेंड बन सकता है आपका,
फॉरेन लड़का लड़की, या फॉरेन का मतलब हमेशा विदेशी जरूरी नहीं है, दूसरी कास्ट, दूसरे कल्चर, थोड़ा एज डिफरेंस हो जिससे आपकी मुलाकात हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। राहु वहाँ बैठे हैं तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार का ध्यान रखना है रिश्तों में, अदरवाइज चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ज्ञान से काम लोगे, बुद्धि से काम लोगे, संस्कार से काम लोगे, तो फिर चीज़ें बढ़िया रहेंगी। प्रेम की बात करें तो वहाँ पर भी केतु बैठे हुए हैं, पर गुरु का आशीर्वाद भी आ रहा है, मतलब आपको प्यार में ये तो जरूर लगेगा कि आपका जो प्रेमी है प्रेमिका है अपना शायद नहीं दे रहा 100%, शायद आपको उसका ज़्यादा करना पड़ रहा है, कुछ ना किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन आपको फील हो सकता है। पर आपको क्या करना है, आपको इसके बावजूद भी ज्ञान से बुद्धि से काम लेना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाना है, और उसका जो काम है उसको कहीं ना कहीं वो शायद समझ लेगा, ये आपको होप करना है। पर आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपना आपका जो पार्ट है वो आप निभा रहे हो नहीं निभा रहे हो, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। यही भाव एजुकेशन का भी है, पढ़ाई से मन ना लगे पॉसिबिलिटी है, पर अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट आ सकता है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। पर बात वही है कि जब केतु बैठे हैं वहाँ मन ही नहीं लगता, आपका गैप करने का मन करता है, आपका भागने का मन करता है, आपका कुछ और करने का मन करता है। गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें साथ में ही, ये तो ज्योतिषी रेमेडी होगी है। अपने मन को लगाएं, उसको बताएं, उसको समझाएं कि आपको क्या करना है, ना कि आपका मन आपको समझाए कि क्या करना है। आप शुद्ध मास्टर होने चाहिए, आप मन को बताएं कि मन को कहाँ जाना है, तो ये बेहतर स्थिति होगी। इसके बाद अगर हम चौथा भाव जो कि माता का है, मातृभूमि का है, जमीन जायदाद आदि उसका है, तो उसका स्वामी अपने से बारे में गया है। ये कहता है कि आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, आपकी कोई यात्रा हो सकती है, चाहे वो छोटी मोटी यात्रा हो या लंबी यात्रा हो, माता के स्वास्थ्य में भी कुछ मतभेद, मतलब उनके साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, घर में भी थोड़ा सा कलह का वातावरण मंगल यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि मंगल एक अग्नि ग्रह है। और चौथा भाव मूलतः चंद्रमा का और जल स्थिति को दिखाता है, भाई बंधुओं के साथ भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, फालतू में लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, रिश्ते आदि में अपने को बना के थोड़ा रखने का महीना है, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, आपके दशम भाव पर भी पड़ रही है, एकादश पर भी पड़ रही है। जब सप्तम पर पड़ेगी तो आपके पति पत्नी के और पार्टनर्स को इफेक्ट करेगी, दशम भाव पर पड़ेगी तो आपके बॉस आदि को इफेक्ट करेगी, और ग्यारहवें भाव पर पड़ेगी तो आपके सीनियर्स को इफेक्ट करेगी, और यहाँ पर सभी पर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस आएगी और आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हो और बहस आदि में पड़ सकते हो। आपको वहाँ शांति से काम लेना है, डिसिप्लिन से काम लेना है, लॉयल्टी से काम लेना है, तो चीज़ें आपकी बढ़िया रहेंगी। एच पर ज्योतिष आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं धन के मामले में। धन के लिए देखिए, अब ये बातें कब हो सकती हैं, इनका चांसेस कब बन रहा है, जो मैंने बातें कही, एक तो मंगल से संबंधित जो चीज़ें मैंने अभी बताई 2, 11, 21, और इसके साथ साथ जमीन आदि से रिलेटेड या घर से परिवर्तन या दूर जाने से रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो 6, 15 और 25 तारीख को आपके हो सकती हैं। अब धन की बात करें, पैसे की बात करें, तो पैसे के भाव में शुक्र आ रहे हैं जो फॉरेन के स्वामी हैं, विदेशों के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। आपको स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है, आपकी संतान से, आपकी एजुकेशन से, आपके परफॉर्मेंस से आपको लाभ हो सकता है, बाहर से विदेशों से लाभ हो सकता है, कोई खर्चा भी आपके पास आ सकता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये 1, 10, 20, 29 या फिर आपका 8, 17 और 27 तारीख को इनकी संभावना है। धन से संबंधित कुछ इवेंट आपके हो सकते हैं, लाभ से संबंधित कुछ इवेंट होने की संभावना आपके 2, 11, 21, 30 और 31 को बनती है। कोई लाभ हो सकता है, कोई इनकम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल का कहीं ना कहीं एक्टिवेशन हो रहा है, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर आ रही है, रियल एस्टेट आदि से आपको लाभ हो सकता है, इस चीज़ को यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सूर्य के कारण, पर आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, आपका ओवरऑल कह सकते हो कि रिजल्ट अच्छा ही है। ओवर हम महीने को अगर हम देखेंगे, शनि भाग में जरूर बैठे हुए, भाग में शनि है तो पिता गुरु से बना के रखें, आप जो भी पाना चाह रहे हो उसमें थोड़ा डिले तो जरूर होगा, कि शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर है, जो हमारी इच्छा पूर्ति को दिखाती है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो आप जितना सोचे उससे थोड़ा कम रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा। इसके साथ साथ छठे भाव पर जो शनि की दृष्टि है, एफर्ट, हार्डवर्क, संघर्ष थोड़ा सा बना रहेगा, पर इन सब के बावजूद भी भाग्य का स्वामी भाग्य में यही बता रहा है कि भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें डिले हो रही हैं, उतनी रफ्तार से नहीं हो रही हैं, पर जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यशाली है, बस प्रयास आपको करते रहना है। आप जानते होंगे जो छोटा बच्चा होता है ना पक्षियों का, तो माता ना जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है उसको गिरा देती है घोंसले से,
क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो तो उड़ ही नहीं पाएगा, वो घोंसला छोड़ना नहीं चाहता। और माता को पता होता है कि वो उड़ तो सकता है पर ऐसे तो नहीं उड़ेगा, इसे तो लात मारनी पड़ेगी, घोंसला छोड़ना पड़ेगा। तो इंसान के साथ भी यही होता है, उसको तो ऐसा ही लगता है मेरे से ना हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे से कहाँ होगा, इसका तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर तब तक जब तक कि आप उसको ट्राई नहीं करते हो, थोड़े से शुरुआत नहीं करते हो, आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हमेशा यही कहें हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो पाएगा, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये पॉसिबिलिटी है, मेरे को बस ट्राई करना है, कोशिश करनी है, सीखना है, तभी तो पता लगेगा। अगर आपने पहले से यही कह दिया कि मैं ऐसे हो ही नहीं पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने भाग्य के बल सोच रहे हो कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रही है, वो शायद इस वजह से नहीं हो पा रही है कि कभी आपने उसके लिए पूर्णतः दिल से प्रयास ही नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया, या फिर बहुत जल्दबाजी में प्रयास कर लिया। मतलब आपको तैरना सीखना है, आपने सीधा ना गहरे पानी में डुबकी लगा दी और आपको पानी जो है नाक में भर गया, आपने कहा अब भैया मैं नहीं तैर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो ये फिर आपकी गलती होगी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रिस्क लेके चीज़ों में जाना है, क्योंकि यही तरीका होता है सीखने का। जब चलना सीखा था तब भी ऐसा ही सीखा था, एक दिन में थोड़ी ना दौड़ गए थे, थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़ के सीखना सीखा था शुरू में, तो फिर धीरे धीरे बिना हाथ छोड़ के ऐसे करके, तो धीरे धीरे बहुत कुछ आप सीख सकते हो, कर सकते हो। मिथुन वाले बहुत टैलेंटेड होते हैं। अब इसके बाद देखिए, भाग्य की बात हो गई, कार्य की बात की, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, परिवार, सभी की बात हो गई है। राहु केतु के मामले में भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु राहु हैं, तो बस थोड़ा सा बना के रखना है अपनों से, गुरुओं से, बड़ों से। यहाँ पर सूर्य शनि का भी आमने सामने आ रहे, तो बॉसेस और पिता के साथ भी थोड़ा सा झुक के रहना है। वैसे भी कहते हैं कि बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, कई बार उनका आशय कोई दूसरा होता है जो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, इसके साथ हम त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। 15 अगस्त है इस महीने, हरियाली तीज है 21 तारीख की नागपंचमी, हरियाली तीज 19 की है, 29 तारीख का ओनम और रक्षाबंधन है। अगर फास्ट की बात करें, व्रतों की बात करें, तो 1 तारीख की श्रावण पूर्णिमा है, 30 तारीख की भी पूर्णिमा है, इस माह अधिक मास है, 11 तारीख की परमा एकादशी, 27 तारीख की श्रावणा पुत्रदा एकादशी है, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये त्यौहार होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13 और 28 तारीख का प्रदोष पर्व है, 14 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं, ये निर्वाण षटकम से लिया गया जो शंकराचार्य जी ने लिखा है, और ये अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो, एक ही उसमें सारा दर्शन भर दिया गया है। इसमें भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 4 तारीख की संकष्टि है, 16 तारीख की श्रावण अधिक अमावस्या है, और 17 तारीख की सिंभा संक्रांति है। जो सूर्य के परिवर्तन की बात की हमने, 17 तारीख को हो रहा है, 17 से पहले सूर्य यहाँ रहेंगे। अब 17 से पहले सूर्य यहाँ रहेंगे, थोड़ा वाणी को आपको मधुर रखने की कोशिश करनी है 17 से पहले, और बाकी यहाँ पर सूर्य का रहना भी अच्छा रहेगा। शुक्र इस महीने 7 तारीख के बाद पूरे वक्री रहने वाले हैं, तो शुक्र आपके लिए पंचम और 12वें भाव के कारक हैं। कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो आप पहले प्लानिंग कर रहे थे, ये आपकी संतान से आपकी मुलाकात हो सकती है यहाँ पर, अगर वो कहीं दूर है तो वो वापस आ सकती है, उसके फोन वगैरह आ सकते हैं। शिक्षा से संबंधित, दोस्तों से संबंधित कुछ पुराने लोग आपके आपके जीवन में आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। खास करके 8, 17 और 27 तारीख को इस तरह के इवेंट होने की संभावना है। खैर, इसी के साथ मैं विदा लूँगा, आपसे आग्रह करूँगा, अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दबा के अगर आप चाहते हैं तो, और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, क्या सुधार किया जा सकता है। याद रखिएगा, एक जर्नल प्रेडिक्शन है जो आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, लग्न से भी आप इसको देख सकते हैं, आपकी जन्मपत्री से नहीं है कि वो आपको मैच हो ही जाए, पर हाँ इससे हमें एक संभावना मिलती है और जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप आप इसका लाभ उठाएंगे। आपसे अगली मुलाकात तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।